अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कदीम मज़ाहिब। तो इससे पहले हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अच्छा, कदीम मज़ाहिब में जो है काफ़ी सारे मज़ाहिब आ जाते हैं। तो इस दौरान इसमें जो है सबसे पहले जो है हम मज़हब का तारुफ करेंगे। तो मज़हब जो है ना एक टर्म है, इसके लुगवी माना जो है वो है तरीका या रास्ता। अच्छा, मज़हब की जो तारीफ है ना, बाकायदा जो वजाहत है वो कोई एक नहीं है, हर एक ने अलग अलग इसकी वजाहत की है। तो तीन चार जो है, एक तो मुफक्किर है प्रोनाइट हेड, वो उनका कहना है कि मजहब एतिकाद की उस रुबत का नाम है जिससे इंसान का बातिन पाक होता है। तो उनके नजदीक ये मजहब की तारीफ है। इसी तरह कांट के नाम से एक है, उनके नजदीक जो है तारीफ वो ये है, हर फरीजे को खुदाई हुक्म समझना ये मजहब है। ठीक है, लुगवी माना जो हमने देखे, जो लुगत में बयान किए गए हैं उसका मतलब ये तरीका या रास्ता, और हमने सिलाही माना या टेक्निकल मीनिंग भी इसकी देखी। प्रोनाइट हेड ने भी बयान की, कांट ने बयान की, काफी सारे लोगों ने इसके मुतालिक कहा है। तो हम देखते हैं कि मजहब जो है ना वो सोशियो कल्चर सिस्टम है सोसाइटी का। ठीक है, इसमें क्या हम डिस्कस करते हैं या क्या हम देखते हैं इसमें, लोगों के अकायद और मॉरेलिटी यानी अखलाकियात, रूहानियत हो गई, और जो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसमें, फेथ भी हो गया और सेक्रीफाइसेस हो गए, उनके फेस्टिवल हो गए, उनके फीस्ट हो गए, और काफी सारी चीजें जो है इसमें आ जाती हैं मजहब में। तो हमने तारीफ भी देख ली और लुगवी माना भी देख लिया, ये था मजहब का तारुफ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ज्योग्राफिकली जो है क्लासिफिकेशन क्या है रिलीजन की, इसकी क्लासिफिकेशन जो है। अच्छा, जब हम किसी को मजहबी कहते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि वो बंदा जो है अहकाम आमाल पर जो है उस मजहब के लिए सख्ती से पाबंद है। अब जैसे कोई मुस्लिम है तो वो मुस्लिम जो है मुसलमान होगा, और वो जिन अकायद पर अमल कर रहा होगा वो उस लिहाज से मजहबी कहलाएगा। इसी तरह अगर कोई ईसाई है तो वो ईसाई अकायद पर अमल कर रहा होगा तो हम उसको उस हिसाब से मजहबी कहेंगे। इसी तरह अगर यहूदी है कोई तो वो इस लिहाज से अपने अकायद पर अमल कर रहा होगा तो हम उसको उस हिसाब से ही मजहबी कहेंगे। इसी तरह जो है बाकी मजाहिब में भी यही है कि जो जो जिस जिस जो जो अकायद है लोगों के, वो अपने हिसाब से जो है अकीदत पर अमल करते हैं तो उनको उनके लिहाज से मजहबी कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी जो ज्योग्राफिकली क्लासिफिकेशन है वो सात तरह से की गई है यहाँ पे। एक तो मिडिल ईस्टर्न रिलीजन है, ईस्ट एशियन रिलीजन है, इंडियन रिलीजन है, अफ्रीकन रिलीजन है, अमेरिकन रिलीजन है, ओशनिक रिलीजन है, क्लासिकल रिलीजन है। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट में क्या कौन कौन से मजाहिब आ जाते हैं, वो है जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जर्दिज्म, जर्दिश्त, और इसी तरह और भी मजाहिब इसमें आ जाते हैं जो हम अभी देखेंगे आगे चार्ट में। फिर ईस्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, डुइज्म आ जाते हैं, कन्फ्यूशियसम आ जाता है, और शिंटोइज्म आ जाता है। इंडियन रिलीजन में कौन कौन से आ जाते हैं, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैन मत, सिखिज्म, और बुद्धिज्म भी आ जाता है। ठीक है, फिर है अफ्रीकन रिलीजन। अफ्रीकन रिलीजन में भी ये सारी चीजें, इजिप्ट के जितने भी जो है ना मिस्र के कदीम मजाहिब, वो सारे इसमें आ जाते हैं। फिर अमेरिकन रिलीजन में जो है उनके अपने अकायद और अपने बिलीव होते हैं, और क्लासिकल रिलीजन में जो है हम रोमन जो जितने भी अकायद हैं उनके, वो सारी चीजें आ जाते हैं। ठीक है, फिर मजाहिब की कदामत के लिहाज से अहम मजाहिब की सरबंदी।
यानी कौन सा मजहब कितना कदीम है, उस लिहाज से हमने यहाँ पे इनको डिस्क्राइब किया है, ये क्लासिफाई किया है कि कौन सा मजहब कितना पुराना है। तो सबसे पुराना जो है ना वो हिंदू मत है या वेदांत है, यानी लोग बुद्धों की पूजा करते हैं, तो ये सबसे पुराना है। हम देखते हैं कि हजरत आदम अलैहि सलाम के बाद हजरत नूह अलैहि सलाम से पहले, यानी हजरत आदम अलैहि सलाम को गुजरे हुए कई साल गुजर चुके थे, तो हजरत नूह अलैहि सलाम उस वक्त तो नहीं आए थे। तो उस दौरान लोगों ने क्या करना शुरू किया कि बुत बनाने शुरू कर दिए, अपने जितने जो बुजुर्ग लोग थे उनके बुत बनाने शुरू कर दिए और उन्हीं की पूजा करनी शुरू कर दी। तो इसी तरह जो है बुतों की पूजा शुरू हुई और फिर हजरत अलैहि सलाम आए और फिर थोड़ी मतलब चेंजिंग हुई लोगों ने हजरत अलैहि सलाम को मतलब मानना शुरू किया। लेकिन हजरत अलैहि सलाम को जो है बहुत कम लोगों ने कबूल किया था। लेकिन देखिए उनकी जिंदगी है ना बहुत ज्यादा लंबी थी, तकरीबन 1,000 साल उनकी जिंदगी थी। उन्होंने जो है 1,000 साल तो तकलीफ की, तकरीबन 1,000 साल से ज्यादा उनकी जिंदगी थी अल्लाह ताला ने उनको दी थी। लेकिन लोगों ने ना उनको कबूल नहीं किया, वो मतलब इतने हट धर्म हो गए थे, इतनी ज्यादा उनमें बुत परस्ती छा गई थी कि उन्होंने जो है इनकार किया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत उमर सलाम को हुक्म दिया था कि आप जो है कश्ती में फला फला लोगों को सवार करें और फिर जो है तूफान आएगा। खुद हजरत उमर सलाम के बेटे और उनकी बीवी भी जो है तूफान वालों में शामिल हो गए थे। ठीक है, तो हिंदू मत जो है इतना पुराना मजहब है हजरत आदम अलैहि सलाम के बाद से। फिर है यहूदियत, इसके बाद है कन्फ्यूशिज्म, फिर है बुद्ध मत, फिर जैन मत, ईसाइत, इस्लाम और सिख मत। इसकी डिटेल्स हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इनके जो क्लासिफाई अभी हमने की है, यानी जो शजरा हमने बनाया है, वो तीन तरह के जो है ना कदीम, वो इस तरह से है। देखिए इब्राहिमी या सामी मजाहिब होते हैं, वो तीन है। ठीक है, यहूदियत है, ईसाइत है और एक इस्लाम है। फिर दूसरी जो क्लासिफिकेशन हमने की है वो आर्याई मजाहिब है, उसमें हमने जर्तिशिज्म है ये रखा है, जैन मत रखा है, फिर सिख मत है, हिंदू मत है, बुद्ध मत है। ठीक है, मंगोल या मशरकी मजाहिब जो है वो सिर्फ चार है, कन्फ्यूशियस मत, ताओ मत, शंटू मत और तिंगरी मत। ठीक है, ये सारे हो गए। इसकी क्लासिफिकेशन हम एक और तरह से भी कर सकते हैं, वो है एक तो इब्राहिमी मजाहिब, वो इसमें ये सारे आ जाएंगे, यहूदियत है, ईसाइयत है और इस्लाम जो इसमें लिखे हैं। इसके अलावा और भी दो है, सामरियत है और मंदारियत। फिर है मशरकी या एशियाई मजाहिब, इसमें हमने देखा ना ये जो मंगोल या मशरकी मजाहिब, इसमें तीन आ जाते हैं, एक तो ताओ मत है, कन्फ्यूशियस मत है और चैनी लोग मजहब है। ठीक है, फिर हिंदुस्तानी मजाहिब है और जो हमने पीछे अभी देखे थे, एक है हिंदू मत है, जैन मत है, बुद्ध मत और सिख मत। इसी तरह एक और तरह से भी हम इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, इलाकाई और लोक मजाहिब, इसमें शमन आ जाता है और अजदाद परस्ती आ जाता है। ठीक है, ये इनके अपने बनाए हुए आ जाते हैं कि अजदाद परस्ती जो जो इनके बड़े कर रहे होते हैं वही फिर उनके आने वाले नस्लें करना शुरू कर देती, तो अजदाद परस्ती कहलाता है। और रिवायती या अफ्रीकी मजाहिब में जो है कदीम मिस्री मजाहिब आते हैं, जितने भी मिस्र के मजाहिब है ना वो सारे मजाहिब इसमें आ जाते हैं। फिर है ईरानी मजाहिब, ईरानी मजाहिब में जरतुश्तियत है, यारसानियत है, यजदानियत है और यजीदियत है। ठीक है, जरतुश्तियत यानी आग की पूजा करने वाले जितने भी होते हैं वो जरतुश्तियत होते हैं या जरतुश्तियत होते हैं। ठीक है, अब हिंदू मत को हम डिस्क्राइब करते हैं कि हिंदू मत क्या है। हिंदू मत जो है वो कदीम तरीन मजाहिब में से है, जैसे कि अभी मैंने बताया था ना कि हजरत आदम अलैहि सलाम के बाद से जो है इन लोगों ने बुत परस्ती शुरू कर दी थी, तो ये इतना पुराना मजहब है। फिर इसकी जड़ें जो है ना कदीम हिंदुस्तान की तारीखी या वेदी मजहब में मिलती है, जो हिंदू लोग होते हैं वेद को मानते हैं ना, तो उसमें इनकी जो है अकायद वगैरह भी हमें मिलते हैं। मुख्तलिफ अकायद और रिवायात से भरपूर मजहब हिंदू मत के कई बानी है, यानी इसके कई बानी है, बुनियाद रखने वाले इस मजहब की बहुत सारे बानी है।
इसके ज़ेली रिवायात, अकायद और फिरकों को अगर एक समझा जाए तो हिंदू मत, मसीहियत और इस्लाम के बाद तीसरा बड़ा मजहब है। यानी ये इतना कदीम भी है और बड़ा मजहब भी है कि हिंदू मत जो है ना मसीहियत और इस्लाम के बाद जो है तीसरे नंबर पर बड़ा मजहब है। तकरीबन 1 अरब पैरोकारों में से 905 मिलियन भारत और नेपाल में रहते हैं। 1 अरब में से यानी 905 मिलियन जो है ना भारत में रहते हैं और नेपाल में रहते हैं। हिंदू मत के पैरोकार को हिंदू कहा जाता है, यानी जो हिंदू मत के मानने वाले होंगे, जो इस मजहब को फॉलो करते होंगे, उनको क्या कहा जाएगा? हिंदू कहा जाएगा। फिर तमाम हिंदू मतों दो किस्मों पर मुश्तमिल, यानी दो जो हिंदू मत है ना वो दो किस्मों पर मुश्तमिल होते हैं, एक तो शरूई और एक है समरनी। इन मतों में दीगर मजामीन के साथ साथ इलाहियात, फलसफा, असातीर, वेदक, योगा और मंदिरों की तामीर जैसे मौजूआत पर गुफ्तगू की गई है। यानी ये जो है ना मौजूआत, इन मौजूआत पर ही गुफ्तगू की गई है। इसमें हिंदू मत की अहम किताबों में 4 अहम किताबें हैं, एक तो वेद है, एक उपनिषद है, एक भगवद गीता है और आगम है। ये 4 किताबें शामिल हैं। हिंदू मत किसी एक मजहब का नाम नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ मुतजाद अकायद व रसूम, रुझानात, तसव्वुरात और तवहमात के मजमुए का नाम है। यानी ये किसी एक मजहब का नाम नहीं, बल्कि ये सारी चीजें जो मैंने बताई, यानी मुख्तलिफ अकायद हैं और इनकी रसूमात होती है, तसव्वुरात होते हैं, जिस पर ये मुश्तमिल एक मजहब है। ये किसी एक शख्स का कायम करदा या लाया हुआ नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ नजरियात का ये एक ऐसा मुरक्कब है जो सदियों में जाकर तैयार हुआ है। यानी यूं ही नहीं बस कोई आ गया और ना उसने बयान कर दिया कि हिंदू हिंदू मत जो है एक मजहब नहीं, बल्कि इसकी जो है ना सदियों पुरानी जो है तारीख है और ये सदियों में जाकर तैयार हुआ है। फिर है इसकी वसअत का ये आलम है कि इल्हाद से लेकर अकीदा वहदतुल वजूद तक बिला कबाहत इसमें जम कर लिए गए हैं। यानी इल्हाद यानी जो लोग जो है किसी खुदा को नहीं मानते, बेदीन होते हैं, यानी जिनका कोई मजहब नहीं होता, उस अकीदे से लेकर नजरिया वहदतुल वजूद, ये एक टर्म है जो तसव्वुफ की टर्म है, इस्लामिक स्टडीज में आती है, फिर कभी इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ब्रॉड टर्म है। अकीदा वहदतुल वजूद तक बिला कबाहत इसमें जम कर लिया गया, यानी इसमें सारे नजरियात को शामिल कर लिया गया है। दहरियत, बुत परस्ती, शजर परस्ती, हैवान परस्ती और खुदा परस्ती सब इसमें शामिल है। हिंदू मत में क्या क्या शामिल है? दहरियत, बुत परस्ती, शजर परस्ती, हैवान परस्ती और खुदा परस्ती। कोई हैवानों को भी मानता है, कोई दरख्तों की पूजा करता है, कोई बुतों की पूजा करता है, कोई मतलब खुदा को मानता है लेकिन वो दूसरे खुदा उन्होंने अपनी तरफ से बना ली, तो इसमें ये सारे शामिल है। अच्छा, मंदिर में जाने वाला हिंदू भी वाला भी हिंदू है और वो भी हिंदू है जिसके जाने से मंदिर नापाक हो जाता है। वेद का सुनने वाला भी हिंदू है और वो भी हिंदू है जिसके मुतालिक हुक्म है कि अगर वेद सुन ले तो इसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाला जाए। गर्ज, हिंदू मत एक मजहब नहीं है बल्कि एक निज़ाम है जिसके अंदर अकायद, रसूमात और तसव्वुरात की बहुतात है। ऐसे वेदी मजहब की तरक्की याफ्ता, तौसी याफ्ता और तब्दील शुदा शिकल भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो मकाम जहाँ से ये फैला है वो बहरहाल वेदी मजहब ही है। यानी वेदी मजहब था जिससे जो है ये एक मजहब फैला है। आर्यों की मजहबी किताबों की 4 तादाद है जो 4 वेदों के नाम से मशहूर हैं। इनमें सबसे पुरानी जो है ऋग्वेद तस्वीर की जाती है। एक कौन सी है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, ये 4 जो इनकी किताबें हैं आर्याओं की किताबें हैं। इन किताबों के अलावा महाभारत, रामायण, धर्मसत्र, धर्मशास्त्र और 18 पुराण भी अहमियत के हामिल तस्वीर किए जाते हैं। ठीक है, ये इनकी किताबों के नाम थे और हिंदू मत का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। और हिंदू मत के फिरके भी हैं, कुछ 6 फिरके हैं, वो है वैष्णव मत, शिव मत, शक्ति मत, गणपति मत, सूर्य मत, स्मारक सूत्र। इसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पर कदीम मजहब, वो है कन्फ्यूशिज्म। कन्फ्यूशिज्म जो है चीन का सबसे बड़ा मकामी मजहब है। चीन में जो है ना ये मतलब इसके मानने वाले बहुत ज्यादा है।
कन्फ्यूशियस मत जो है ना 25 सदियों की मुसलसल तारीफ रखता है, यानी 25 सदियां जो है ना इस मजहब, ये मजहब इतना पुराना है कि 25 सदियां जो है ना मुसलसल इसकी तारीफ बतलाती हैं। तकरीबन 2000 साल तक हुक्मरानों का मजहब रहा है, यानी जो हुक्मरान आते थे वो जो है कन्फ्यूशियस मत ही होते थे। चीन के लोग भी इसको मानते हैं, मानने वाले हैं। कन्फ्यूशिज्म का नाम मगरबी अकवाम का दिया हुआ है, यानी मगरब के जो लोग हैं ना वो उन्होंने इसको नाम दिया है। इसका असली नाम कन्फ्यूशियस की तालीमात है, या फिर इसको रोजिया भी कहते हैं। कन्फ्यूशियस जो है ना एक शख्स का नाम था, उसकी तरफ मंसूब कर कर इसको कन्फ्यूशिज्म कहा गया है, जिसके मायने उल्मा की तालीम के हैं। ठीक है, रूजिया का मतलब क्या है? उल्मा की तालीम या कन्फ्यूशियस की तालीम। तो उनके जो आलिम होते थे, उनके जो जानने वाले होते थे, वो जो है ना कन्फ्यूशियस कहलाते थे। उनकी तरफ मंसूब करके इसको कहा गया उल्मा की तालीम। कन्फ्यूशियस मजहब चीन का कदीम मजहब है। इस मजहब की बुनियाद कायनात की परस्तिश पर है, और ये परस्तिश कायनात के अज्जा और मजाहिर की परस्तिश है। ठीक है, यानी कायनात में जितनी भी चीजें उनको ये लोग मानते हैं और उनकी उनको खुदा मानते हैं। इस मजहब का बानी उल्मा ने मगरब के दिए हुए नाम के मुताबिक चीन का मशहूर हाकिम कन्फ्यूशियस है, जिसके मुतालिक बयान किया जाता है कि वो 471 कब्ल मसीह में गुजरा, यानी हजरत ईसा अलैहि सलाम से पहले जो है 471 साल पहले जो है ना एक कन्फ्यूशियस एक हाकिम था वो गुजरा था, जिसकी तरफ मंसूब हुआ है ये मजहब। इसका बाप श्योलियान था, यानी जो कन्फ्यूशियस शख्स था इसका जो बाप था ना श्योलियान था, जो एक जिले का हाकिम था जिसकी बुढ़ापे की औलाद कन्फ्यूशियस था, यानी वो इतना बूढ़ा हो चुका था फिर भी ना उसकी जो औलाद थी वो कन्फ्यूशियस के मतलब पैदा हुआ था, और फिर जो है उससे ये मजहब फैला। ये इस मजहब को अक्सर मजहब कुतुब कहा गया है, यानी अक्सर मजाहिब की किताब में इसको जो है ना बहुत सारी मजाहिब की किताब में बयान किया गया है, या इसकी इनकी किताबों में जो है ना और भी मजाहिब बयान किया है। इसके मुताबिक कुतुब में से लन व्यू यानी गुलदस्ता तहरीर अहम तरीन है। गुलदस्ता तहरीर जो है ना वो इनकी किताबों में अहम किताब है, क्योंकि इसके मुताले से इसकी तालीमात का समझना आसान है। कन्फ्यूशियस के मलफूजात का मजमू है जो इसके चंद शागिर्दों ने इसकी वफात के बाद तालीम किया। अच्छा, इस तरह से होता है ना कि हम जब क्लास ले रहे होते हैं तो हम लेक्चर को नोट कर रहे होते हैं, तो इस तरह हुआ था कि इनके जो शागिर्द थे ना कन्फ्यूशियस के, इस हुक्मरान के जो शागिर्द थे वो जब ये लेक्चर दिया करते थे तो इनके जो है ना लेक्चर नोट किया करते थे। तो उनके वफात के बाद जो उनके शागिर्द थे ना उन्होंने उनकी एक किताब तारीफ कर दी। तारीफ में ऐसा बहुत सारा बहुत हुआ है कि ना किसी उस्ताद के लेक्चर नोट किए हों और उनके बाद किताबों को तारीफ कर लिया। इस्लाम में भी ऐसा हुआ है, बहुत सारी किताबें जो है इस तरह से लिखी गई हैं। इसके बाद है, इसमें जिंदगी के हर पहलू के हकाइक को आम फहम कहानियों और उमदा तमसीलों में बयान किया गया है। एक और किताब कन्फ्यूशियस की तरफ मंसूब होती है और ये इंतसाब महल नजर है, इसका नाम अलम अवीम है। एक और किताब है जिसका नाम है एतदाल का उसूल, यानी डॉक्टर आइन ऑफ द वीम। कन्फ्यूशियस के जो पोते थे ना सीसी नाम था उनका, उनकी तरफ मंसूब है, लेकिन हकीकतन वो लीची और मेंशियस की किताबों का 31वां बाब है। इसके अलावा 5 और कदीम किताबें हैं जो कदीम रिवायात के मुताबिक कन्फ्यूशियस की इदारात में लिखी गई हैं। यानी ये जो किताबें अभी हमने पढ़ी ये हैं, इसके अलावा भी 5 और किताबें हैं जो कन्फ्यूशियस में जो है मानी जाती हैं, जैसे शोचिंग है यानी किताब तवारीख, इसमें जो है इनकी पूरी जो है ना दस्तावेज शामिल है, तारीखी बातें इनकी लिखी गई है। अच्छा, यहाँ की बात लिखी है पहले 100 किताबें थी लेकिन अब सिर्फ 58 रह गई है, जो 2400 कब्ल मसीह से 800 कब्ल मसीह तक के जमाने पर मुश्तमिल है। यानी इनमें जो है ना 100 दस्तावेज शामिल थी पहले, लेकिन अब सिर्फ जो है ना 58 रह गई है। और इस किताब में ये जो शोचिंग नाम की किताब है इसमें ना 2400 से लेकर 800 से लेकर 2400 तक जो है इनकी पूरी तारीख जो है ना डिस्क्राइब की गई है। फिर है शीचिंग।
इसमें जो है ना 305 नज्मे हैं और ये 700 से लेकर 1200 कब्ल मसीह तक के अरसे में लिखी गई है। ठीक है, फिर है लीची, ये रस्मों की किताब है। इसमें जो है ना इनकी तमाम जितनी भी रसूमात हैं, और चाहे वो मजहबी हो या गैर मजहबी हो, और इनके जो मजहबी त्योहार होते हैं वो जो है इसमें बयान किए गए हैं। फिर है येचिंग, ये है इनकलाबात की किताब। फिर है चोंचियो, इसका नाम, इसमें जो है ना खजा और बहार की तारीखें बयान की गई हैं। ठीक है, सुबह लौ के 732 कब्ल मसीह से 481 कब्ल मसीह तक के वाकयात हैं। इसमें हादसात भी बयान किए गए हैं, हालात भी, जितने भी हालात की तारीख है वो बयान की गई है। ठीक है, हमने पढ़ा हिंदू मत। अच्छा, ये एक स्लाइड शायद रह गई थी, तो हिंदू मत का हमने पढ़ा। फिर इसके बाद हिंदू मत के मुकदस मकाम हमने रह गए, वो हम आखिर में खुलासे में देख लेंगे। ये कन्फ्यूशियस का हमने पढ़ लिया। फिर है यहूदियत। यहूदियत जो है ना तौहीदी और इब्राहिमी अध्ययन में से है। हमने अभी ये चार्ट पढ़ा था, चार्ट को हमने देखा जब हमने इसमें तीन मजाहिब पढ़े थे कि सामी मजाहिब में कौन कौन से आ जाते हैं, यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम। तो सबसे पहला जो मजहब है इसमें यही है, लेकिन तारीखी और कदीम एतबार से ये तीसरे नंबर पर है। यहूदियत तौहीदी और इब्राहिमी अध्ययन में से है, जिसके ताबेई ने इस्लाम में कौम बनी मूसा या बनी इसराइल कहलाते हैं। अच्छा, बनी इसराइल का जिक्र जो है ना अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सबसे ज्यादा बयान किया है। तो बहुत सारी तारीफ है जो बनी इसराइल के अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी बयान की है, हमारे लिए इबरत के जो है ना इबरत के लिए बहुत सारी चीजें हमारे लिए बयान की है, ताकि वो काम हम ना करें जो इन कौमों ने किए, हम सीधे रास्ते की तरफ चले। फिर है इसमें मगर तारीख मुताले में दोनों नाम इस असर और इस कौम के लिए मुंतखब है, जिसका तौरात के जो उरूज उरूज ये किताब है एक्सोडस इसमें जिक्र किया है। इसके मुताबिक बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से नबी मूसा ने आजाद किया और बहीरा अहमद पार करके जजीरा सीना तूर सीना की तरफ ले आए। ठीक है, इस किताब में क्या है, उरूज किताब में जो है ना बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से निकलने से लेकर उनकी आजादी तक का बयान किया गया है। फिर है तौरात कदीम इब्रानी जबान में है, इसके 5 अज्जा है। ठीक है, इसके कितने अज्जा है, 5, जिसको मूसा अलैहि सलाम की 5 किताबें भी कहा जाता है। इसमें क्या है, चूंकि अकीदे के मुताबिक सिर्फ ये पांच ही मूसा अलैहि सलाम पर नाज़िल हुई थी। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में भी आयत देखी थी सुबह इब्राहिम और मूसा के, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम मूसा अलैहि सलाम पर सहाइफ नाज़िल किए गए। तो ये 5 जो है ना सहाइफ जिनके बारे में बात की कर रहे हैं अभी, तो ये 5 जो है ना हजरत मूसा अलैहि सलाम पर नाज़िल हुए थे। फिर है इसमें के ये 5 हजरत मूसा अलैहि सलाम पर नाज़िल हुई थी और तनाख के बाकी हिस्से अल्लाह ताला ने और पैगम्बरों या आम इंसानों के जिम्मे लगाए थे। इनका अकीदा ये है, तौरात तनाख का पहला हिस्सा है। तनाख को अंग्रेजी जबान में इब्रानी बाइबल भी कहा जाता है, यानी ये इब्रानी जबान में ही है बाइबल, क्योंकि तौरात के अलावा इसमें 2 और हिस्से भी शामिल हैं, जिसमें यहूदी तारीख व अकायद के अहम अंसर बयान किए गए हैं। तनाख का दूसरा हिस्सा नबियम यानी अंबिया और तीसरा कैथवेम यानी किताबें या दर्ज करता चीजें। ठीक है, ये चीजें इसमें शामिल है। तौरात में कायनात और इंसानी तकदीर का हिस्सा दर्ज है, जो आदम और हव्वा से शुरू होता है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में जो है ना, वो आदम इंसानी जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, ये सारी चीजें इसमें बयान की गई है। नूह और सैलाब का बयान देता है और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रिसालत और उनकी शादियां जो हुई, उनके बेटों का किस्सा, सारी चीजें इसमें बयान की गई है। तौरात की इस कहानी का मकसद ये बयान करना है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक वादा या मुआहिदा किया था कि तुम मेरी इबादत करो और मेरे अहकाम की पैरवी करो और मैं तुम्हारी नस्ल में से बड़ी कौमें पैदा करूंगा। अच्छा, इन तीनों मजाहिब को यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम, इन तीनों मजाहिब को ना इब्राहिम मजाहिब भी कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था ना, तो क्योंकि जो है ना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद से लेके उनके जो बेटे थे ना साम, हाम और याफिस, तो उनके जरिए ये ना
अलग अलग फैले हैं। फिर कौम की जो तारीख के अलावा उन पांच किताबों में अहकाम भी शामिल है, खुसूसन वो 10 अहकाम टाइम कमांड्समेंट जो है ना, अहकाम अशराफ वो बयान किए गए हैं जिनका मगरिब में चर्चा रहता है। तो रात में कुल 613 अहकाम मुंदरज हैं जो शरा और कवानी मुआशरे और अखलाकियात से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, 10 कमांडमेंट्स में जो है ना इनके बहुत ज्यादा मशहूर है, उसमें है ना बहुत सारी चीजें होती हैं कि खुदा को एक मानना और माँ बाप की पैरवी करना, माँ बाप की मतलब है ना नहीं फरमाबरदारी करना, इस तरह से 10 अहकाम हैं, अहकाम अशरा कहलाते हैं, वो बयान किए गए इस पर। फिर यहूदियत के मुकद्दस मकाम हैं, इनके मुकद्दस मकाम जो है ना चार मशहूर शहर हैं। एक तो यरूशलम है, यरूशलम जहाँ पे मुकद्दस पत्थर और मगरबी दीवार है। अच्छा, एक है हेब्रोन, एक है ताइब्रिस और सफेद। इन शहरों के अलावा कोहे सीना भी मुकद्दस तसव्वुर किया जाता है, क्योंकि जो है ना कोहे सीना यानी तूर पहाड़ जो है ना उस पर उनके मुताबिक ना वो हज़रत मूसा अलैहि सलाम को तौरात मिली थी, इस वजह से जो है इसको मुकद्दस माना जाता है। फिर है बुद्ध मत। बुद्ध मत एक मजहब और फलसफा है जो मखसूस मुख्तलिफ रिवायात अकायद और तर्ज अमल को मुहित किया हुआ है, जिसकी ज्यादातर तालीमात की बुनियाद सिद्धार्थ गौतम की तरफ मंसूब है, जो कि 530 कब्ल मसीह में कपिल हस्तु में एक राजा के यहाँ पैदा हुए। आमतौर पर बुद्ध संस्कृत एक जागृत के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के बड़े मजाहिब में से एक मजहब बुद्ध मत भी है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि ये जो है मजहब कदीम तरीन लिहाज से जो है चौथा बड़ा मजहब है। बुद्ध कुछ चौथी से पांचवी सदी कब्ल मसीह के दरमियान शुमाल मशरकी बरसगीर में रहते थे और तालीमात देते थे। उन्हें बुद्ध मत लोग एक जागे के रोशन ख्याल टीचर के नाम से मानते थे। उन्होंने हयात अहसासी को मुश्किलात से निजात हासिल करना, नरवान को हासिल करना और तकलीफ और दूसरे जन्मों को मुश्किलात से बचना सिखाया। ठीक है, बुद्ध मत के मानने वाले जो है ना वो बुद्ध की तरफ मंसूब करके उनको बुद्ध मत कहा जाता है। उन्होंने क्या कहलाया था लोगों को जो है हयात एहसासी यानी मुश्किल से निजात हासिल करना और ये सारी चीजें ना बताई थी, इस वजह से जो है ना इनको लोग मानना शुरू कर दिए थे लोगों ने। फिर बुद्ध मजहब जो है ना इसका आगाज तुर्क दुनिया से हुआ था, इसलिए जैसे जैसे मोतकीदीन का हल्का बढ़ता चला गया तो राहिबों की तादाद में इजाफा भी होता गया। लोगों ने क्या है दुनिया छोड़कर बस मजहब को जो है ना फॉलो करना शुरू किया। दुनिया मतलब जो इस्लाम है वो तो एतदाल का दीन है ना, दीन और दुनिया दोनों साथ लेकर चलते हैं, लेकिन बुद्ध मत जो है उसमें क्या हुआ था बिल्कुल दुनिया से जो है तर्क हो गए थे लोग, और फिर जो है इसमें राहिबों की तादाद बढ़ती गई थी और लोग सिर्फ मजहब को ही फॉलो करने लगे थे। मगर जल्द ही गौतम ने महसूस कर लिया कि हर शख्स तारिक दुनिया नहीं हो सकता और मजहब को महज राहिबों तक महदूद दुरुस्त नहीं है, लिहाजा अपने पैरोकारों को दो हिस्सों राहिबों और दुनियादारों में तकसीम कर दिया। राहिबों की एक अंजुमन बनाई गई जो सिंह के नाम से मौजूद है। सिंह के मेम्बरों को भशकू का खिताब किया गया था। ठीक है, एक अंजुमन बनाई गई थी जो कि सिंह के नाम से मशहूर हुई थी। फिर उसको जो है ना मेंबर जो थे उनके अंजुमन के उनको है ना भशकू का खिताब दिया गया और उनके लिए अहम शराइत अहकाम वजह किए गए। अवाइल में संघ के तमाम मेंबर समझे जाते थे, शुरू में जो है ना ये सब इनके मेंबर समझे जाते थे, फिर इनमें जो है ना अहदेदार उभरने लगे, कोई अगर डायरेक्टर है तो कोई डिप्टी डायरेक्टर, इस तरह हमारे होता है ना, तो इनमें भी फिर अहदे बनने शुरू हो गए थे, लेकिन सब जो है पहले मेंबर ही समझे जाते थे और इनका सदर जो है ना वो मजहबी पेशवा बन गया। उम्मत के मुकद्दस एक है उत्तर प्रदेश के भारत है और एक गौतम बुद्ध के पैदाइश का मकाम या नेपाल है, भारत है, पाकिस्तान है,
जिला दादू में भी जो है ना सिंह पाकिस्तान के इनके मानने वाले हैं, जहाँ गौतम बुद्ध ने वफात पाई भारत में कशीनगर, यहाँ भी जो है ना इनका मकाम है, मुकदस मकाम वाले इनका समझा जाता है। बुधगारे भी जो है भारत में है, नेपाल में है, श्रीलंका में है और कुछ दीगर मकाम पर है जो गारे हैं, इनको मुकदस तस्वीर किया जाता है, तस्वीर में भी शुरू होगा। फिर है जैन मत। जैन मत जो है वो शासन और जैन धर्म भी कहलाता है, संस्कृत जबान का लफ्ज है और इन नामों से भी जो है ना मारूफ है, जैन शासन और जैन धर्म। एक गैर तौहीदी भारतीय मजहब है, गैर तौहीदी भारतीय मजहब है जो तमाम जी रूह और जी हयात अजसाम के हक में अदम तशद्दुद की तालीम देता है। नीज जुमला मजाहिर जिंदगी में मुसावात और रूहानी आजादी का हामी है, यानी ये जो है ना रूहानी आजादी मांगते हैं, मुसावात तो मांगते हैं जिंदगी में लेकिन रूहानी आजादी को मानने वाले हैं। जैन मत के पैरोकारों का अकीदा ये है कि अदम तशद्दुद और जब्त नफ्स के जरिए निजात हासिल कर सकते हैं। इस वक्त जैन मत दो बड़े फिरकों में तकसीम है, एक है श्वेतांबर और एक दिगंबर। लफ्ज जैन मत जो है संस्कृत जबान का लफ्ज है, एक लफ्ज जिन से लिया गया है, जिन से जिन जो है संस्कृत जबान का लफ्ज है, इससे जो है ना संस्कृत बना है, जिसके मायने क्या है फातेह यानी फतह करने वाला। जैन मत के वस्तुओं में जज्बात जिस्मानी आसाइशों के वसूल के दरमियान जो मार्ग जारी रहता है, ये लफ्ज दरअसल उसके जानिब इशारा करता है। जिस शख्स ने अपने जज्बात और नफ्स पर फतह हासिल कर ली वो फतह फातेह समझा जाता है। जैन मत का शुमार जो है ना दुनिया के कदीम तरीन मजाहिब में किया जाता है। इसकी बुनियाद कब किसने और कहाँ रखी इसके बारे में माहिरीन आज तक जो है ना कोई नतीजा हज नहीं कर रहे। जैन मत का शुमार दुनिया के कदीम तरीन मजाहिब में किया जाता है, ठीक है, और कब किसने और कहाँ इसकी बुनियाद रखी इसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, कोई नतीजा ही नहीं अखज कर पाया। जैन ग्रंथों के मुताबिक 527 कब्ल मसीह से कब्ल वर्धमान महावीर ने निर्वाण हासिल किया था। रिवायती तौर पर जैन मत के पैरोकार अपने मजाहिब के इब्तिदा 24 तीर थंकरों के सिलसिले को करार देते हैं, जिनमें पहला तीर थंकर शबद्यो और आखिरी महावीर थे। जैन मत के पैरोकार ये यकीन रखते हैं कि जैन मत अबदी और लाफानी है, यानी जैन मत जो है शुरू से ही मजहब है और आखिर तक रहने वाला है, यानी कभी फना नहीं होगा ये मजहब इनके मानने वाले ये समझते हैं। ये इसी वक्त से है जब से दुनिया बनी है और तब तक रहेगा जब तक दुनिया बाकी है, ठीक है, यानी इनका ये मानना है। जैन मत के लोग महावीर को आखिरी अवतार या देवता मानते हैं। हिंदुस्तान में एक तवील अरसे तक जैन मत हिंदुस्तानी रियासतों और मुल्कतों का सरकारी मजहब रहा है। नीज बरसगीर हिंद में इस मजहब की काफी अशात हुई है। 8वीं सदी ईस्वी से जैन मत की शोहरत और अशात में कमी आने लगी, जिसमें इस खत्ते के सियासी माहौल ने भी असर डाला था। अच्छा, जैन मत के पैरोकार जो है 5.2 मिलियन है। नीज दुनिया के दीगर ममालिक बेल्जियम, कैनेडा, हांगकांग, जापान, सिंगापुर और रियासत हाय मुत्तहदा अमरीका में भी जो है मुख्तसर तादाद में पाए जाते हैं। भारत में जैन मत के मानने वालों में शरफ ख्वांदगी दीगर मजाहिब के पैरोकारों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है, यानी 94.1। भारत में मखतूतात का कदीम तरीन कुतुब खाना जैन मत का ही है। आलमी सतह पर जैन मत के पैरोकारों की तादाद कितनी 6.1 मिलियन। जैन मत खुदा की हस्ती को तस्लीम नहीं करता, यानी वो अल्लाह तआला को मानते ही नहीं है। उनका कहना है जो अल्लाह तआला या कोई भी खुदा जो है उसको नहीं मानते लोग। जैन मत को जैन मत के मानने वाले जो है वो कहते हैं खुदा है ही नहीं। उनका कहना है कि जो बड़ा है वो भी इंसान के रूप में पाई जाने वाली ताकत खुदा है, यानी ये क्या कहते हैं कि इंसान के रूप में पाई जाने वाली ताकत जो है ना वही खुदा है। दुनिया में हर चीज जावदानी है, रूहें जिस्म में बदल बदल कर आती हैं, मगर अपनी अलग हस्ती का एहसास बाकी रहता है, ये इनका अकीदा है। निर्वाण यानी रूह की मादे और जिस्म से रियाई नवी जन्म के बाद मुक्ति हो सकती है। जिन मत के अकायद 7 पुलियों की शिकल में बयान किए जाते हैं, जिनको जैन मत की इस्तिलाह में 7 हकायक कहा जाता है।
सात हकाइक जो है ना बयान किए जाते हैं इसमें। ये कायनात और जिंदगी के बुनियादी मसले और इसके हल के बारे में सात नजरियात हैं दरअसल, जिसमें जैन मत का बुनियादी फलसफा बखूबी सिमट कर आ गया। ठीक है, ये इनके अकायद थे और इनकी जो है ना तारुफ था इनका जैन मत का। अब इनके जो मुकद्दस मकाम है वो कहाँ है, समाता का पहाड़ है, कोहे आबू राजस्थान में, श्रावण है एक कर्नाटक में भी है, और ये थरपारकर का दिखाया हुआ है इन्होंने, सिंध में मौजूद जैन मत का कदीम मंदिर इनका मंदिर है। फिर है ईसाइयत, मसीहियत जो है ना, मसीहियत भी बोलते हैं इनको, क्योंकि ये जो है ना हजरत ईसा अलैहि सलाम के तरफ मंसूब किए जाते हैं, लेकिन इनको ईसाइयत भी कहा जाता है। मसीहियत जो है एक तसलीस का अकीदा रखने वाला मजहब है, यानी तसलीस का मैं अभी आगे डिफाइन करूंगी। वो ये है कि जो यसू को मसीह यानी हजरत ईसा अलैहि सलाम है ना, वो उनको यसु मसीह मानता है, खुदा का बेटा मानते हैं और खुदा का एक अकनून मानता है, उसे भी उसी तरह खुदा मानता है जैसे खुदा और कुदुस को। अच्छा, ये तसलीस का जो अकीदा है ना, ये है कि ये हजरत ईसा अलैहि सलाम, अल्लाह ताला और जिब्राइल अलैहि सलाम, एक फिरका तो इनका ये है, ये कहता है कि हजरत ईसा अलैहि सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम जो है रूहुल कुदुस है यानी रूह फूंकने वाले, और जो अल्लाह ताला है वो तो, उनको तो खुदा मानते हैं, लेकिन उनके अलग नाउज बिल्ला उनका ये जो अकीदा है वो ये मानते हैं कि अल्लाह ताला के बेटे जो है वो हजरत ईसा अलैहि सलाम है नाउज बिल्ला। तो ये तसलीस का अकीदा इनका ये है। और तीसरा जो तसलीस का मतलब है सुलूस, सुलूस यानी दीन। ठीक है, और तीन तीन चीजों को मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहि सलाम, हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम यानी रूहुल कुदस और अल्लाह ताला, इन तीनों को मिलाकर ये एक खुदा मानते हैं। मसीहियों के इब्तिदा तीन फिरके थे। अच्छा, ये रह गया जैसे खुदा और रूहुल कुदस को, जिन्हें बिलतरतीब बाप बेटा और रूहुल कुदस का नाम दिया जाता है। मसीहियत के इब्तिदाई तीन फिरके थे, एक तो याकूबिया था, एक नस्रिया था और एक मलकानिया था। ये तीनों जो है ना इस बात पर मुत्तफिक है कि तीन एक है और एक तीन है, यानी इन तीनों को मिलाकर एक है और ये एक जो है ना ये तीन है, यानी इन तीनों को मिलाकर एक खुदा बनता है नऊज़ु बिल्लाह, और इन ये एक जो है ना यही तीन है। अब इबन और रूहुल कुदुस और अब आइन इब्ने आइन है और अब इब्ने आइन अब है रब है। इसी तरह दूसरे के ये अकायद भी हैं इनके, जो अपने पैरोकारों की तादाद के एतबार से जो है मसीहियत दुनिया का सबसे बड़ा कदीम मजहब है, यानी मसीहियत ईसाइयत के जो मानने वाले ईसा अलैहि सलाम को मानने वाले वो जो है सबसे ज्यादा है दुनिया में। 2019 में रूमी कैथोलिक मशीकी रासिकुल अकीदा और प्रोटेस्टेंट ग्रुहों की तादाद 2.4 अरब थी। इसका मतलब ये है कि जमीन में बसने वाले तकरीबन हर तीन अफराद में से किसी न किसी एक का ताल्लुक मसीहियत से है। जाहिरी बात है कि इतने ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल मजहब में अकायद वज़ाइफ की वसी तादाद होगी। उमूमी लिहाज से मसीहियों में यसु नासरी की इनफरादियत के बारे में अकीदा मुश्तरक है कि वो खुदा के बेटे थे और उन्होंने अपनी सलेमी मौत के जरिए इंसानियत का कफ़ारा अदा किया। यानी जब हजरत ईसा अलैहि सलाम सलीब दिए गए थे, यानी उनको जब सलीब पर लटकाया गया इनके नजदीक ईसाइयों के नजदीक, तो उन्होंने क्या किया, यानी इंसानियत का कफ़ारा अदा कर दिया। किस तरह के हजरत आदम अलैहि सलाम जो है उनका कहना ये कि हजरत आदम अलैहि सलाम ने जो शजरा ममनुआ खाया था और उनको जो है ना ये सजा मिली थी कि वो दुनिया में भेज दिए गए थे, तो वो गुनाह का कफारा जो है हर बच्चा लेकर पैदा होता है। ठीक है, वो गुनाह जो है हर बच्चा लेकर पैदा हुआ जब हजरत आदम अलैहि सलाम की औलाद हुई, इसके बाद दुनिया में लोग मिले, तो ये उनका कहना है कि हर के साथ वो ये गुनाह शामिल होता गया। तो हजरत ईसा अलैहि सलाम आए और उनको जब सलीब किया गया तो इससे उन्होंने ये कफारा अदा कर दिया कि अब हर बच्चा जब भी पैदा होगा वो इस गुनाह में मुब्तला नहीं हुआ होगा, यानी वो गुनाह उनके साथ नहीं अटैच होगा, इनका ये मानना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें क्या है कि मसीही लोग मजहब में दाखिले के लिए बपतिस्मा पर अकीदा रखते हैं, यानी अगर कोई जो है ना इस मजहब में दाखिल होना चाहता है ना तो वो बपतिस्मा यानी एक गुसल है उनका एक तरह का, फिर उनसे जो है ना
एक गुसल दिया जाता है, फिर उनसे अकीदत का जो है ना इतराफ करवाया जाता है कि हम जो है इस अकीदे पर यकीन रखते हैं, और ये सारी चीजें होती है। और इनका नजरिया यही है कि ईमान लाने वाले के पास एक जिंदगी है जिसमें उसे हयात बादल मौत के लिए अपनी तकदीर के मुताबिक फैसला करना होता है। इस तकदीर में अमूमन जन्नत की अब्दी रहमत या जहन्नम का दायमी अजाब शामिल है। मसीहियत में भी कई फिरके हैं जिनमें दो बड़े फिरके हैं, यानी एक कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। बाइबल जो है ना मसीहियत की मुकदस किताब है। बाइबल के भी दो हिस्से हैं, एक अहदनामा कदीम और एक अहदनामा जदीद। अहदनामा कदीम जो है वो यहूदियों की मुकदस किताब है, और इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर तमाम अंबिया के हालात को जब तहलील में लाया गया है। बाइबल का जो अहदनामा है 39 कुतुब पर मुश्तमिल है, जबकि यानी जो पुरानी अहदनामा कदीम जो किताब है ना उसमें 39 कुतुब है, जबकि अहदनामा जदीद जो है वो 27 किताबों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा और भी कुतुब हैं जो अपाकर्फा कहलाती हैं। इसके लिए जो है रोमन कैथोलिक फिरके के अहदनामा अतीक यानी अहदनामा कदीम में जो है 46 कुतुब शामिल है, जबकि प्रोटेस्टेंट के अहदनामा कदीम में सिर्फ 39 कुतुब है। अच्छा, इसमें जो है ना फर्क आ गया थोड़ा कि प्रोटेस्टेंट जो फिरका है ना उनकी अहदनामा कदीम कुतुब में सिर्फ 39 कुतुब शामिल है, जबकि अहदनामा जदीद जो है ना इसी अहदनामा कदीम रोमन कैथोलिक फिरके में 46 कुतुब है, जबकि अहदनामा कदीम प्रोटेस्टेंट फिरके में 39 कुतुब है। अहदनामा जदीद यीशु मसीह के अहवाल और कलीसियाई तारीख पर मुश्तमिल है, इनके जो कलीसा है ना उनकी तारीख पर मुश्तमिल है। दोनों फिरकों कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का अहदनामा जदीद 27 कुतुब पर मुश्तमिल है। उसमें अहदनामा कदीम में जो है ना फर्क था कि एक में 39 थी और दूसरे में 46 थी, लेकिन यहाँ पे इनमें दोनों में सेम कुतुब है, 27 कुतुब है दो जदीद में। ईसाइयत के मुकदस मकामात कौन कौन से हैं? एक तो यरूशलम यानी फलस्तीन है, यहाँ पे ईसाइयत के कई मुकदस मकामात मौजूद हैं जिनमें अदगम के चर्च, बैतुल्लाहम और तस्मी नासरत, और कैथोलिक कलीसा जो है इनके है इसमें वाटिकन सिटी में, हेगा सोफिया है इटली इटली में है। ठीक है, फिर आ जाता है इस्लाम। इस्लाम एक तौहीदी मजहब है जो अल्लाह ताला की तरफ से आपने रसूल नबी यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानों तक पहुंचाई गई। आपने इल्हामी किताब कुरान मजीद की तालीमात पर कायम है, यानी दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी, और मुस्लिम नजरिए के मुताबिक गुज़िश्ता अदियान की इस्का का आगाज 632 ईस्वी तक 23 साल पर हुई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से उतरने वाले इल्हाम यानी कुरान से होता है। कुरान अरबी जबान में नाजिल हुआ और इसी जबान में दुनिया की कुल आबादी का कोई 24% हिस्सा यानी लगभग 1.6 से 1.8 अरब अफराद इसको पढ़ते हैं। इसमें मुख्तलिफ जराए के मुताबिक करीबन 20 से 30 करोड़ ही वो हैं जिनकी मादरी जबान अरबी है, जबकि 70 से 80 करोड़ गैर अरब या गैर अजमी हैं जिनकी मादरी जबान अरबी के सिवा कोई वो है, यानी अरबी और अजमी। अरबी वो होते हैं जिनकी मादरी जबान अरबी ही हो, अजमी वो होते हैं जिनकी मादरी जबान अरबी ना हो बल्कि कोई वो हो। मुतअद्दिद शख्सी माखज से अपनी मौजूदा शिकल में आने वाली दीगर इल्हामी किताबों के बरअस वही फर्द वाहिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अदा होकर लिखी जाने वाली किताब और इस किताब पर अमल पैरा होने की रहनुमाई फराहम करने वाली शरीयत की दो ऐसे वसाइल हैं जिसको इस्लाम की मालूमात का मंबा करार दिया जाता है। यानी इस्लाम के माखज क्या क्या है? दो बुनियादी माखज है इस्लाम के, एक है कुरान और दूसरा है सुन्नत। कुरान में कुछ ऐसे वाकियात हैं जो जिनकी तशरीह नहीं की गई, जैसे नमाज है, ज़कात है। ज़कात अब नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला ने कहा नमाज पढ़ो, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को पढ़कर दिखाया, अमली जो है तरीका हमें बताया कि जो इस तरह से नमाज अदा करनी है। ज़कात देनी है, कितनी देनी है हमें नहीं मालूम, वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो दो चीज़ों का मजमा है कुरान इस्लाम, एक तो कुरान
और दूसरा है सुन्नत। जब भी हमें जो है कोई मसला दरपेश होगा तो या तो हम कुरान में से देखेंगे या फिर सुन्नत में से देखेंगे। रसूल कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, उनके किरदार और अकवाल हदीस से ही मुरव्वज हुई, ठीक है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है ना, वो किस तरह से हमें मिलती हैं, या तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कॉल है या फेल है या फिर कोई तकरीर। इसको हम फिर आगे जब हदीस का पढ़ेंगे ना तो इसको मैं जब बताऊंगी कि कॉल फेल और तकरीर में क्या फर्क है। अच्छा, इस्लाम के अकायद और कुरान मजीद के हवाले से बाकी चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। इस्लाम में जो मुकद्दस मकामात हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो यरूशलम है यानी बैतुल मुकद्दस है, जिसको मस्जिद अक्सा भी कहा जाता है, और एक है मक्का और दूसरा है मदीना, सबको मालूम है। फिर जो आखिरी मजहब है वो है सिख मत। सिख मत जो है ना वो भी एक तो तौहीदी मजहब है। इस मजहब के पैरोकारों को जो है ना सिख कहा जाता है, जिस तरह मुसलमान इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है, इसी तरह सिख के सिख मत के मानने वालों को सिख कहा जाता है। सिखों की मजहबी किताब श्री आदि ग्रंथ या ज्ञान गुरु ग्रंथ साहब है। आमतौर पर सिखों के 10 सदगर माने जाते हैं, लेकिन सिखों की मजहबी किताब में 6 रहनुमाओं के साथ साथ 30 भक्तों के वाणी है, जिनकी उम्र में तालीमात को सिख रास्ते पर चलने के लिए अहम माना जाता है। सिखों के मजहबी मकामात को गुरुद्वारा कहते हैं। गुरुद्वारा कहते हैं 1969 में पंजाब में पैदा होने वाले नानक देव ने गुरमत को खोजा और गुरमत की तालीमात को देश देशांतर में खुद जा जाकर फैलाया था। यानी जो इसके फैलाने वाले थे ना वो पंजाब में पैदा हुए थे 1469 में, तो उन्होंने खुद जा जाकर जो है ना जगह जगह मजहब फैलाया। सिख उन्हें अपना पहला रहनुमा मानते हैं। ये जो नानक देव है इनको पहला देव देव मानते हैं, पहला रहनुमा मानते हैं। गुरमत की तबलीग बाकी 9 गुरुओं ने की, तबलीग आगे की तबलीग जो है ना बाकी के 9 गुरुओं ने की। 10वें रहनुमा जो है ना गोविंद सिंह ने तबलीगी काम खालिसा को सौंपा, खालिसा नाम का उनको सौंपा, और ज्ञान गुरु ग्रंथ साहब की तालीमात पर अमल करने की नसीहत की, ठीक है। फिर इनकी किताबों के नाम आ रहे हैं, और जैसे कबीर है, दिना है, साधना है, रामानंद है, परमानंद है, नामदेव, तकाराम वगैरह, जिनके अकवाल आदि ग्रंथ में दर्ज है। आदि ग्रंथ इनकी किताब है, इनके ये सारी चीजें है ना अकवाल है, ये इस किताब में दर्ज है। इन भक्तों को भी सब सिख सदगुरुओं के जैसे माने मानते हैं और इनकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करते हैं। सिख एक ही वाहिद खुदा को मानते हैं, जिसे वो एक ओंकार कहते हैं। उनका अकीदा है कि ईश्वर ईश्वर अकाल और नरक काल है, यानी ये इनके हैं वो ईश्वर और इन चीजों को मानते हैं, तो ये इनका अकीदा है। फिर इनके मुकदस मकामात हैं, एक है हर मंदिर है, अकाल तख्त है, तख्त श्री पटना है, तख्त श्री दमदमा है, तख्त श्री हुजूर है, दरबार साहब ननकाना, ये पाकिस्तान में, ये पंजाब साइड पे, और दरबार साहब करतारपुर है, ये भी पंजाब साइड पे, पाकिस्तान पे पाकिस्तान में है। अच्छा, हमने जो है ये इसका परसेंटेज देखी है कि कितने परसेंट जो है कौन सा मजहब ज्यादा है। तो क्रिश्चियन यानी ईसाई जो है सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में, फिर है सेकंड पर मुसलमान, मुस्लिम जा जाते हैं, फिर दूसरे मजाहिब है, फिर है हिंदू, फिर है बुद्धिज्म, फिर है फोक रिलीजन, फिर है अदर रिलीजन, फिर अदर है जूस, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस्लाम के बारे में पढ़ लेते हैं, जो थोड़ा थोड़ा रह गया था, अब हम उसको थोड़ा सा और वाजह कर लेते हैं। इस्लाम दरअसल है क्या? इस्लाम अच्छा, हमने जो है उस दिन इस्लामियात का पढ़ा था, तो इस्लाम जो है ना वो तो एक अलग टर्म है, लेकिन इस्लामियात उसको हम इस तरह से समझे कि जब हम जैसे कोई भी हम जब वर्ड पढ़ते हैं ना तो उसको बड़ा लफ्ज होता है तो हम उसको तोड़ कर पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके जो है ना माना देखने की कोशिश करते हैं। तो याद का मतलब तो है स्टडी, ठीक है, और इस्लाम का मतलब है इस्लाम। इस्लाम खुद अरबी जबान का लफ्ज है और सलम लफ्ज से ये लफ्ज निकला है, यानी सलामती या सिपुर्द कर देना, पैरोकार, इसी तरह गर्दन झुकाना, हुक्म मानना, इन माना में जो है इस्तेमाल होता है। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज या इस्लाम जो है ना उसकी हम मजीद थोड़ी सी तफसील देख लेते हैं। लफ्ज सलम जो है ना
उसका मतलब है बचना या महफूज रहना, अमन सलामती पाना। इसके अलावा ताबेदारी, आजजी, इंकसारी, अमन, सुलह, हक का इकरार और फरमाबरदारी करना या सिपुर्द कर देना, अतात कर देना, ये सारी चीजें क्या है इसमें आ जाती हैं लफ्जी मान। इसी तरह कुरान में भी इरशाद है ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस सिल्म का आपका सूरह बकरा की आयत नंबर 208 है। तो यहाँ पे सलम जो लफ्ज है ना वो अतात के माने में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह एक मशहूर हदीस है अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमूना बिल लिसानी व यदी, के मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। तो यहाँ पे जो सलम लफ्ज है वो महफूज रहने के माने में इस्तेमाल हुआ। इसी तरह कुरान पाक में एक और आयत भी है यहदी बिल्लाह मन तबा रिजवानहु सुबुल सलाम। यहाँ पे सलाम जो है ना ये सलामती के माने में इस्तेमाल हुआ है कि हिदायत देता है अल्लाह ताला उन लोगों को जो उसके इत्तिबा करते हैं और वो सीधे रास्ते की तरफ उनको हिदायत देता है अल्लाह ताला। तस्लीम करना और सिपुर्द करना में के माना में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि कुरान पाक में है قال اسلمت لرب العالمين سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 ہے یہ یہاں پہ جو ہے تسلیم کرنا ہے سپرد کرنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا اسلام یا اسلام کی جو ہے نا وہ تعریف ہے شریعت میں انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے، اس کے سامنے گردن جھکانے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکامات دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گردن جھکانی ہے، اس کو اس کے لیے خود کو سپرد کر دینا اللہ تعالیٰ کو، تو اس کا نام کیا ہے اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسلام کی جو غرض و آیت ہے وہ کیا ہے، کیوں ہم اسلام کو مانیں، اور بھی تو مذاہب ہیں نا، ہم اسلام کو کیوں مانیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جو ہے ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں، کیونکہ شرک جو ہے نا وہ ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے شرک کو، ان شرک لظلم عظیم، یعنی شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہر چیز کی معافی مل سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں یا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، لیکن شرک کی کبھی معافی نہیں ملی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے سلامتی اور امن و امان میں آ جائیں، جب اسلام قبول کریں گے تو ہمارا جو ایمان ہوگا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ ہو گیا پوائنٹ۔ پھر اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے فکر اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع کر دے۔ اسلام کا لفظ بھی جو ہے قرآن پاک میں آیا ہے کئی مقامات پر، تو ہم جو مشہور آیات ہیں یا جن میں واضح طور پر یہ لفظ آیا ہے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 ہے ان الدین عند اللہ اسلام، یہ دین تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی بے شک دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے۔ اور سورہ آل عمران میں یہ 85 آیت ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی اور اتباع کرے یا تلاش کرے اسلام کے سوا کسی اور دین کو تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ہم کی پیروی کرتے ہیں تو وہ ہم سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، یہ جو ہے نا قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے اور یہ فتح مکہ کے موقع پر آیت نازل ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن یعنی فتح مکہ کے دن مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور تمام کر دی تم پر اپنی نعمت کو، اور پسند کر دیا تمہارے لیے دین کو، یعنی اسلام کو پسند کر لیا اللہ تعالیٰ نے ایز اے دین۔ ٹھیک ہے، اب مسلمان ہونے کے بعد کیا ہے، اسلام کا علم حاصل کرنا بھی کیا ہے، فرض ہے۔ تو اسلامک اسٹڈیز جو ہم پڑھتے ہیں تو اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہم جو ہے اسلام کے بارے میں جانیں، اس پر عمل کرنے کے بارے میں جانیں۔ تو ہم جو بھی مسائل وغیرہ پڑھتے ہیں ساری چیزیں جو ہے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ مشہور حدیث بھی ہے نا علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد و عورت پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ گئی، اور اسلام جو ہے دین فطرت بھی ہے،
जब कोई बच्चा पैदा होता है वो दीन इस्लाम पर ही होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आलम अरवा में यानी जब हम पैदा नहीं हुए थे सबसे पहले शुरू में बिल्कुल स्टार्ट में हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं आए थे, तो सबकी रूहों को जमा किया था और अल्लाह ताला ने फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो सब हम सब ने मैंने आपने सबने इस दुनिया में मौजूद हर हर शख्स ने जो अब आए हैं जो अब चले गए हैं सबने जो है कबूल किया था जी हाँ आप हमारे रब हैं, कौलू बला शहीदना, हम गवाही देते हैं कि आप ही हमारे रब हैं। तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है वो दीन फितरत पर ही होता है यानी इस्लाम पर ही होता है, तो इस्लाम की ये अहमियत भी है इसी तरह और दुनिया आखिरत में कामयाबी का भी जरिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज थोड़ा सा लेंदी हो गया है, तो अब हम देख लेते हैं इसको एंडिंग की तरफ, अगर आप लोगों के कोई सवाल हो तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा सवाल है एक मोहम्मद असलम साहब ने किया है कि पहले इस्लामी मजाहिब क्यों नहीं आए, यानी यहूदियत ईसाईयत और इस्लाम ये क्यों नहीं आए, पहले हिंदुइज्म बुद्ध मत या जैन मत क्यों आए। अच्छा हमने जो डिस्कस किया है ना वो कदीम मजहब के एतबार से किया है कि कौन सा जो है सबसे पुराना मजहब है या कितना पुराना है कदीम है, उस हिसाब से हमने इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो इस्लाम जो है ना आखिरी मजहब है, आखिर में नाजिल हुआ, आखिर में आया है और आखिर तक यही चलेगा, दरमियान में कोई भी ना नबी आएगा ना रसूल आएगा, इस्लाम ही आएगा।